चर्चा हो रही है और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं आपस के अंदर। जिनको आशंका है वो अपना आशंका दूर भी कर रहे हैं। अच्छे ढंग से डिस्कशन, बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे ढंग से, बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष के बारे में आलोचना करने का कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे, प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब ACP अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ ACP जीरो टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, जीरो टॉलरेंस। उसको ये कहते हैं बहुत करप्शन है, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहाँ ACP छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती है संवेदनशील पारदर्शी जवाब दे पैसे देंगे, और जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जो मैंने सरकार मंत्री नवाचार किया और मैंने कहा कि राजस्थान में कंपनी करेंगे, हम लोग कंपनी करेंगे FIR को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं है, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है पूरे देश के अंदर आपको समझ रहे हैं, गोदी मीडिया जो कहलाने लग गया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं मुझे, आप समझ जाएंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमने इतना बोर्ड स्तर बढ़ाया, थानों की स्थिति आप भी समझते हैं, हम भी समझते थे, थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं भाई, चलो तो अखबार वाले लोग हैं, समाजदाता मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जती होती है थानों के अंदर, तू तान बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तूता करेंगे, मुझे भगा देंगे। और जिस सोशल सिक्योरिटी कानून बने पार्लियामेंट के अंदर, और इसके लिए हम लगातार, हमारी पार्टी कांग्रेस भी, जो राहुल गांधी जी जो निकल पड़े यात्रा में, उनका मुद्दा भी यही है कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहे, तो तभी रहेगा तब आप सोशल सिक्योरिटी दोगे लोगों को। और इसीलिए वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, वो तभी कम होगी। कम से कम आप जीवन यापन तो करवाओ हर व्यक्ति का। एक मजदूर भी होता है, जब सही साधन देता है तो बुढ़ापे के अंदर वो क्या करें, वो घबरा जाता है कि जिंदगी कैसे निकलेगी। कई बार घर वाले उनका ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होते हैं, रख नहीं पाते हैं। आप जानते हो कि अलग अलग परिवेश होता है परिवारों का। तो ये बात दिमाग में रही, और इसके लिए आज हमने कैबिनेट में हाथ खड़े करवा के भी प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से, कि एक प्रस्ताव हम बना के भेज रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट मंत्रिमंडल मांग करती भारत सरकार से, आप इस प्रकार से इसको लागू करें, एक्ट बना के पार्लियामेंट के अंदर। हमारा मकसद ये है।